हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग किचन बाय दीपा निगम में आपका स्वागत है। आज हमारी अमेजिंग किचन में हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल टेस्टी चटपटी सूखी चना दाल। इसे आप पूरी पराठे या राइस किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। लंच बॉक्स के लिए भी ये डिश बहुत ही अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सूखी चना दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ ली है एक कटोरी चना दाल। इसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह वॉश कर लिया है। हम इसे प्रेशर कुकर में 1.5 गिलास पानी और 1/2 टीस्पून नमक डालकर 2 विसिल आने तक कुक करेंगे। कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। दाल के अतिरिक्त हमें चाहिए 1 प्याज, 2 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 कली लहसुन, 5 हरी मिर्चें और 1 शिमला मिर्च। मैंने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी धनिया, हरी मिर्च को फाइनली चॉप्ड कर लिया है। हम दाल को चेक करेंगे। हमारी दाल पक चुकी है। हमें इसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम पैन में तेल डालेंगे। तेल के गर्म होने पर 1/2 टीस्पून जीरा, 2 पिंच हींग और प्याज डालेंगे। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। कटी हुई हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। स्वादानुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिक्स करेंगे, टमाटर ऐड करेंगे और शिमला मिर्च डालेंगे। हमें टमाटर को ज़्यादा गलाना नहीं है, हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे। यहीं पर अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल को मिक्स करेंगे, 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालकर मिलाएंगे और लिड लगाकर 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए कितनी कलरफुल लग रही है हमारी दाल। हम इसमें 1/3 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। हमारी सूखी चटपटी चना दाल रेडी है। आप इसे कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।